दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 499 साल बाद 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण, चार राशियां होंगी माला माल। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और अद्भुत होने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान तीन ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बन रहे हैं। तो आखिर कौन कौन से वो ऐसे खास संयोग हैं और ग्रहण के दौरान आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः अमावस्या के दिन पड़ती है। तीनों एक ही रेखा होने की वजह से सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता बल्कि चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य राहु और केतु के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है। माना जाता है कि इसमें सूर्य कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। यह एक बलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं पर ठीक इसके बाद 14 दिनों के बाद 28 अक्टूबर को साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर दो ग्रहण लगेंगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लग रहा है तो वहीं पर अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार है और 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनिवार को पड़ने वाले हैं। माना जाता है कि शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद ही दुर्लभ होता है। दोस्तों 2023 का दूसरा ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है और आप सभी जानते होंगे कि इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर को कलश स्थापना है। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण के सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है जबकि चंद्र ग्रहण में यह 9 घंटे पहले शुरू होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाई होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात्रि 8:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात्रि 2:25 पर होगी या फिर कहें तो 15 अक्टूबर की सुबह 2:25 पर। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों कलश स्थापना से पहले ग्रहण लगने की वजह से ग्रहण के नियम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और खासकर ग्रहण के बाद वाले जो भी नियम है जैसे कि स्नान दान, यह नियम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आप पूरी तरह से शुद्ध होकर अगले रोज कलश स्थापना कर सकें या फिर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जा सकें। दोस्तों ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे में सवाल होता है कि
क्या हम इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है? दोस्तों, क्योंकि भगवान केवल एक ही है, तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे वह नियम जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यानी कि जो बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज़ और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से लेकर ग्रहण समाप्ति होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के सूतक होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीज़ों को, खासकर अचार, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीज़ों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या फिर चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तुओं को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखून को भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ बताया गया है। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल पर प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई आदि उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने या फिर सिलाई के लिए सुई और कैंची का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें ग्रहण के समय मानना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान सूर्य ग्रहण इनकी सूर्य के स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए सूर्यदेव को। और दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काले कंबल, काला जूता या फिर काले तिल का, काले वस्त्र का आप दान दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। तो दोस्तों, यूं तो सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन राशि चक्र की तो कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण सुखद और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कौन सी है ये राशियाँ और इनको कैसे फल प्राप्त होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी राशियां मालामाल होने वाली हैं इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव भाग का सहयोग प्राप्त कराएगा। सूर्य ग्रहण कर्क राशि से यानी कि विशेष इनके आमदनी में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, धन संपत्ति में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में इन्हें जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा, धन संपत्ति में अधिक से अधिक फायदा होगा। आपको कार्यस्थल पर रुकी हुई योजनाओं का फिर से लाभ होगा, फिर से शुरू हो सकते हैं और करियर के क्षेत्र में उन्नत पा सकते हैं, ऐसा समय यह रहेगा। भाग भी आपको सहयोग देगा, भाग का साथ मिलेगा। इस राशि के कुछ जातक आर्थिक पक्ष में मजबूत करने में कामयाब होंगे। पारिवारिक जीवन में भी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। इस दौरान अगर आप वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर खरीद पाएंगे। इनसे जुड़े मामलों पर लाभ होगा। आपके काम में नई पहचान इस दौरान मिल सकती है।
या मित्रों घर के सदस्यों में कोई सरप्राइज भी गिफ्ट मिलने की भी संभावना इस दौरान है। दोस्तों अगली जो राशि है वो है सिंह राशि पर। सूर्यगण का प्रभाव रिश्तेदार भी दिलाएंगे लाभ। जी हाँ, रिश्तेदारों से भी आपको लाभ होगा और आपके किसी नज़दीकी मित्र का भी सहयोग प्राप्त होगा। लगातार आमदनी बढ़ेगी। कार क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। पति पत्नी के बीच संबंध काफ़ी मधुर बने रहेंगे। कार क्षेत्र में भी लाभ होगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कार क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। नज़दीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे तो ये सूर्यग्रहण आपको लाभ दिलाएगा, अपार सफलता दिलाएगा। धन संपत्ति में भी आपको तरक्की मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार क्षेत्र में जो रुकावटें चली आ रही थी, परेशानियां, वो दूर होंगी। अब अगली राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अब आपकी किस्मत चमकेगी और आप अब मालामाल बन जाओगे। धन से मालामाल बन सकते हो। बता दें कि रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। सरकारी क्षेत्र से काम लाभ होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ और फायदा मिलेगा। समाज सेवी बनेंगे। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां बरसेंगी। एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लाभ के साथ साथ महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। लगातार इनकम बढ़ेगी। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर कुंभ राशि। कुंभ राशि आपको इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा। कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। इस समय जो भी कार्य नहीं बन पा रहे थे वो कार्य बनेंगे। धन संपत्ति में तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा। व्यापारिक क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा और व्यापार में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। धन व्यापार में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। इसमें आपके कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति में भी लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। अब अगली जो राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्त, बता दें वृषभ राशि। वृषभ राशि आपको इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। धन संपत्ति में लाभ होगा। तो ये सूर्यग्रहण आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, मालामाल बना देगा, करोड़पति बना देगा। इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। तो ये ऐसी राशियां हैं जो इस बार सूर्यग्रहण पर मालामाल बनेंगी, करोड़पति बनेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा अपनी राशि का हाल। और दोस्तों बता दें कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय सूर्यदेव।